हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज आया था कोलाघाट नदी, जो रूपनारायण नदी है, वहाँ काफ़ी सारे पिकनिक स्पॉट बनते हैं। संडे का दिन था, आ गया था, पर आँखों में सूरज की रोशनी काफ़ी जोर लग रहा है। मेरे साथ मेरी बेटी, हाँ वो बोल रही है कुत्ता पानी पी रहा है, वो बता रहा है। काफ़ी अच्छा जगह है घूमने के लिए, एक संडे तो यहाँ बिता ही सकते हैं हम लोग। क्या कर रहे हो बच्चे? है रेत का घर, बाली। हाँ रेत उसको बहुत पसंद है, रेत में आकर खेल रही है नदी किनारे। तब से बोल रही थे भाई बीच जाएंगे, बीच जाएंगे, उनके लिए तो अभी यही बीच है आज के लिए। मेरी बेटिया बोले चलो घूमने चलते हैं, तो संडे का दिन था, आ गए। विंटर का सीज़न में काफ़ी सारे यहाँ पिकनिक वगैरह भी कर रहे हैं, तो हम बोले चलो एक बार घूम के आते हैं। खेल रही है सैंड में, बाली में, नदी के किनारे। हेलो, मैं भी हाय बोलो, नदी का तकाओ, बाली बाली लगे चुके, नदी का तकाओ फिर से। इधर रूपनारायण नदी में हावड़ा खड़गपुर वाली जो रेलवे ट्रैक है उसका ब्रिज है, ये नदी है, खेल रही है। उधर काफ़ी सारे पर्यटक का गाड़ी है, झावन। अभी चलेंगे उधर जाके, ज़रा देखेंगे पर्यटक क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस नदी में अभी जोआर चल रहा है, तो सैंड वाली नहीं दिख रहा है, तो ज़रा सा एक घंटे बाद अब रेत यहां से साइड से उठेगी, तो रेत। कितना सारे दूर है देखो, यहां से पिकनिक स्पॉट है कोलाघाट ब्रिज के नीचे, रेलवे ट्रैक ब्रिज के नीचे है। सब अपना अपना खाना पकाने ही साथ में खा भी रहे हैं। इधर एक बंदे खा रहे हैं, ये बॉक्स है बंदे खाने का टाइम में। कितना अच्छा परिवेश है झाव गच, झाव वन के अंदर। वो यहाँ नहीं जाएगी, सैंड में खेलेगी जहाँ सैंड में खेल रही थी। कोचे अभी वापस आ जाएंगे जाकर। यहाँ एक ट्रिप है, उधर एक ट्रिप है, अच्छा मौसम है यहाँ, नदी नदी किनारे छावन, और सब अपना खाना पकाना और रहना, सारा दिन स्पेंड करना यहाँ। दौड़ के सैंड में जा रही है, बोले नहीं इधर नहीं जाऊँगा, जब सैंड में खेल रही तो वहीं जाएंगे, तो उसके पीछे पीछे अभी सैंड में दौड़ रही है। घूम के देख रही है हम लोग आए ना आए। ये रहा उसका, इधर खेल रही थी सैंड हल्का सा छोटे। आप जाइए वहाँ खेलने के लिए और गंदा करेगी, मिला जुला के
अच्छा परिवेश है, जाओ सब जाओ खेलो। ये अपना भाई लोग का लड़का लड़की है। ये हमारे पीछे जो कुछ बोट के पीछे ये नदी से पानी उठाने का तरीका है, जब उधर खेती में पानी कम पड़ जाती है तो यहाँ से ये पानी उधर नाला के जरिए खेती में दिया जाता है रूपनारायण नदी से। ये इसका अरेंजमेंट है।